नमस्कार, मैं रेनू अग्रवाल, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार के समीप गांव चिकलिया में पुल के पास गड्ढे में गिरने से दो बच्चों की हुई मौत। धार से करीब 6 किलोमीटर दूर गांव चिकलिया, जहां विष्णु अपने दो बच्चों के साथ रहता है। विष्णु धार मजदूरी करने आया था, उस दौरान दोनों बच्चे गौतम और उत्तम, जिनकी उम्र 7 वर्ष और 8 वर्ष है, खेलने के लिए घर से निकले तो वापस नहीं आए। जब पिता जल्दी घर आए तो देखा कि दोनों ही बच्चे नहीं है। ढूंढाई की गई, गांव में बने पुल के पास गड्ढे के समीप दोनों बच्चों की चप्पल दिखी, जिसके बाद पिता और साथियों ने गड्ढे में उतरकर दोनों बच्चों को निकाला और तत्काल धार के बोध चिकित्सालय लाए, जहां डॉक्टरों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर के अनुसार दोनों बच्चों की मौत तकरीबन हुए 5 घंटे हो गए हैं। पोस्टमार्टम कर दोनों बच्चों को परिजन के सुपुर्द कर दिया जाएगा। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज। प्राइमरी तौर पर तो ऐसा लग रहा है कि डूबने से मौत थी, क्लोथिंग थी, ठीक है, पिता के द्वारा लाया गया है और उनको मरणोपरांत ही मिले हैं। बच्चे शायद सुबह से एक घूम गए थे तो ढूंढ रहे थे उनके पिता को, मेरे पास तो जैसे लाए ब्रॉड डेड है, मरने की भी काफ़ी समय बाद लाए हैं। करीबन कितना टाइम हो गया होगा? शरीर में राइगर मोटिस डेवलप हो गया था, कम से कम 5 से 6 घंटे तक अंदाज है ना। वो तो फिर प्राइमरी जो पता चलेगा, फिर पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि प्राइमरी कारण क्या था, डूबने से ही मौत हुई या किसकी वजह से। आपका नाम बताइए। डॉक्टर हेमंत नड्डा। ठीक है सर, थैंक यू।